अज जो पंजाब दे सामने मसला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद जो उसका हुक्म आया कि नहर नूं इन्ने टाइम च मुकम्मल करो तो पंजाब ते पंजाबी सारे बहुत बड़े चिंतित है कि एडा जिहड़ा गलत फैसला है इस नूं किवें रोकिया जाए। सो अज जो संकट है पंजाब ते वो पंजाब दे पानियां दा संकट है जिस वास्ते जो 1 नवंबर का सदा आल पार्टी कह के गवर्नमेंट वालों दिता गया उहदे ते कल असी स्टेटमेंट दिती सी जिसका मतलब सी कि उस तो पहला बैठ के 1 नवंबर तो अज तक असी टाइम दिता सीगा। कल असी कहा सी कि 1 बजे तक कट्ठे बैठिए बैठ के एजेंडा तय करिए सिस्टम तय करिए किन्ने बंदे केड़ी पार्टी कौन कौन आना कित्थे बैठी है ते कौन उसनू जिहड़ा है अगे करे जिहड़ा एजेंडा चलावे ते ये साढ़े पॉइंट सी। लेकिन अफसोस है दुख है कि जिस पार्टी नू आप सरकार नू पंजाब पंजाबियां ने समुचिया ने समुची जिम्मेवारी दिती है क्योंकि स्टेट का जिहड़ा वारस है वो जो मौके की सरकार है उसका मुख्यमंत्री हुंदा है हमेशा डेमोक्रेसी है और जिम्मेवारी घर दा जिहड़ा मुखी है उसकी हुंदी है कि घर नू चलाउणा किवें है संकट आ गया तो सारे परिवार नू इकट्ठे करके हल किवें करना है। लेकिन दुख है कि असी विधि विधान की गल की है असूल की गल की है पानी की गल की है उल्टा बयान आ गया सरकार का कि डर गए डर के उत्थे कौडी बाडी तो खेड नहीं कि वह हार गया वह जित गया ना कोई झगड़ा करना तलवारा नाल कि हार गया झगड़ा तो साडा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते इकट्ठे होकर उसनों हल करन दा ना कि साडा कोई आपस में झगड़ा है। लेकिन एक गल असी कह देनी चाहते हाँ पार्टी वालों समुची वालों सारे जिम्मेवार सज्जन असी बैठे हाँ कि अकाली दल ना कदे डरिया ना कदे डरेगा। अकाली दल वो जमात है जिहड़ी 1 तों 3 साल पुरानी है जिसने दुनिया च जदों कोई अंग्रेज़ नूं हरा नहीं सकिया इस पार्टी दे साडे बजुर्गों ने हराया कुर्बानियां करके। और मैं कहना चाहुंदा कि जे डिबेट करनी है डिबेट फिर अज तो ना करो जिस दिन आज़ादी तो बाद 1947 तो पंजाब अड होया है पंजाब नूं तां तकलीफ उस दिन तो आउण लग गई तो फिर 1947 तो लैके क्यों ना अज तक बहस करो 1966 तो क्यों करो 1947 तो ही पंजाब दो हिस्से होया पहला तो पंजाब उदों ही वंडिया गया फिर जो कतलेआम होया दुनिया ते आज़ादी का दुख असी भुल भुलिया कि 10 लाख के करीब साडे शहीदियां पाईआं भरावां ने तो उजड़ के आए घर घाट छड्डे झुंबियां ते बैठे आके। अज बहस का विशा केवल तो केवल पानी है असी जिम्मेवार पार्टी हाँ असी ना भज्जिया ना भज्जांगे उस बहस वास्ते कोई वक्खरी तरीक रख लैण ते 66 नहीं 1947 तो रख लैण असी तैयार हाँ। लेकिन अज जिम्मेवार पार्टी तौर पर असं कहना चाहते हाँ कोई छोटा नहीं कोई वड्डा नहीं अज समुचे पंजाबी नूं अपील करदे आ कि असी पंजाबी उत्थे झगड़ा करके तमाशा दिखाउणा दूजे नूं होर कमज़ोर होकर दिखाउणा कि असी इकट्ठे होकर तो हल कढ़ना इस करके अज दुआरा साडी फिर ये साडे वल्लों पुरजोर अपील है सारिया पार्टियां नूं कि आओ जो असी टाइम दिता है जे वो तो लेट हो गए हो शाम रख लो 4 बजे आ जाओ बैठो कह करो विधान एजेंडा किन्ने बंदे कौन कित्थे जगह किहड़ी किवें उसनूं कन्वीन करना असी तैयार हाँ ताकि मसले दा आपां इकट्ठे होकर हल कढ़ के कोई हल कढ़ सकी ते पंजाब नूं आपां बचा सकीए। ये असी अज तुहाडे राहीं पंजाब दी सरकार नूं जो वारस बनी बैठी है ते पंजाब दे लोकां नूं वी अपील करना चाहुंदे आ कि गल नूं समझण दी जो यतन करो कि सरकार उलझा रही है झगड़े च पा रही है असी झगड़े च नहीं पैना चाहुंदे असी जिम्मेवार लोक आ इहदे ते असी ब्लू स्टार तक गए हाँ कपूरी मोर्चा लग्गिया उहदे ते कैदां कट्टियां असी सारिआं ने किसी ने साल कट्टी है किसी ने 1.5 साल किसी ने डांगा खाधियां किसी ने कुछ किया और ये जे उस दिन असी ना करते पानी नहीं सी रुकता गया सी उस दिन स्कोर करके असी इस बारे च नहीं पैना चाहते की ने कढ़ी की होया की ना अज मसला है कि इनू हल किवें करना है। सो ये साडी बेनती है जो जो मैं कहता काका इस मेरी गल नूं समझण दा जतन करो मैं की कहा उदू अगे कोई लफ्ज़ नहीं मैं कहना मैं तरीके सिर सारा कह लिया अज असी थानू खेचल इस करके दिती है कि कल पार्टी वालों असी मान योग मुख्यमंत्री पंजाब नूं बेनती की सी कि 1 तरीक नूं जिहड़ा तुसी बहस रखी आ पहली तो साडी राय सी भी बहस नहीं होनी चाहीदी इह सर पार्टी मीटिंग होनी चाहीदी मीटिंग क्योंकि मसला गंभीर आ मसला चिंता करके इहदे चों हल कढ़न दा मसला तां पंजाब दे पानियां नूं बचाउण दा मसला तां इक सांझी रणनीति सांझी व्यूंतबंदी तैयार करन दा उह कमरे विच बैठ के सारियां पार्टियां दे आगू साहिबान वह तैयार कर सकते सी पर बदकिस्मती नाल मुख्यमंत्री साहब ने इहदा ना बहस रखता ते बहस वास्ते भी साडा कहना सी कल
ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮਸ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਚਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਤਾ ਬਹਿਸ, ਆਪੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਲਈ, ਆਪੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮ ਵਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਲੀਮੀਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਚੁਣਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸੀ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਭਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ, ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ SS ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਬਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਰੋਪ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਡਰੋਪ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੈਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈਏ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਹਰਦ ਯਤਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਖਲਲ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾ ਕੇ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾ ਕੇ
मतलब केजरीवाल साहब की साजिश नूं सफल करना तो वह किसी तरह भी अकाली दल उहदा साथ नहीं देगा। चीमा साहब कह लो जी। देखो गल यह है कि जिहड़ा सारा माहौल है इनू मुख्यमंत्री साहब नूं मैं बेनती करदा कि बड़ी गंभीरता दे नाल ते संजीदगी दे नाल विचारन दी लोड़ है। पहली तो गल है जजमेंट आ चुकी है और जजमेंट पंजाब दे खिलाफ है और बेहद इलॉजिकल जजमेंट है कि पानी का फैसला बाद च करांगे नहर पहला बनाउण। एक तो इस तरह की जजमेंट है जिहदा आपां जिहदे खिलाफ आपां पंजाब दी तरफों पानियां नूं बचाउण वास्ते इकट्ठे होना। दूजी गल कि हरियाणा ये इंप्रैशन दे रहा सारियां पार्टियां हरियाणे दियां एक थां ते इकट्ठियां ने और तीजी गल है कि हरियाणे नूं इस गल दा भी एडवांटेज है कि पंजाब दे जिहड़े आम आदमी पार्टी दे राज्यसभा दे मैंबर ने वह भी हरियाणे दे हक दे विच खड़े आ। जिहड़ी पार्टी दी सरकार आ उहदा कन्वीनर भी जिहड़ा हरियाणे दे हक दे विच खड़ा होया। सो इन्हां परिस्थितियां दे विचों पंजाब नूं बचाउणा किद्दां ये कोई छोटी जी गल नहीं, बहुत वड्डा कठिन सवाल साडे सामने। उहदे वास्ते असीं पहले दिन तो कह रहे सी कि सिर जोड़न दी लोड़ है और अज भी मुख्यमंत्री साहब भावें जो कुछ मर्जी कही जा रहे हैं पब्लिकली फिर भी असीं कहिंदे आ कि पंजाब दे लोकां नूं सारियां धिरां नूं समुच्चे पंजाबियां नूं इकट्ठे हो के बैठ के सिर जोड़न दी लोड़ है। हुण गल किसे होर पासे नहीं पई, रोकणा किद्दां? मसला तां हुण इन्ना रह गया कि नहर नहीं बननी चाहीदी, उहनूं रोकणा किद्दां? ते कदी भी दुनिया दे विच किसे धिर ने अपनी स्ट्रैटजी तय करनी होवे ते स्पीकर ला के ते लोकां नूं दिखाउण वास्ते नहीं करदी। स्ट्रैटजी हमेशा बैठ के तुसीं सारे आपस च पहलां अंदर चार दुआरी ते बैठ के तय करदे। उहदे वास्ते आल पार्टी मीटिंग बेस्ट सलूशन सी। कल जिस तरीके मुख्यमंत्री साहब का रिएक्शन आया, मेरा ख्याल हाले साडी ईमेल पहुंची है अखबारों के दफ्तरों च, तो नाल दी नाल ही इदां दा रिएक्शन आ गया कि भजा ते मैं तो पहले कहा सी मुकाबला नहीं कर सकते दूजे कथन भी चलो असी तो भज गए। गल पंजाब नूं बचाउण दी आ, मुख्यमंत्री साहब पंजाब दे पाणियां नूं बचाउण दी आ, सानूं कढ लो गाणा जिन्नियां कट्टियां असीं कदों रोकदे आ। पर मसला इस चीज़ का है कि जिहड़ा ढंग तरीका उत्थे तुसीं चूज़ करना चाहुंदे हो, पहली गल तां तुहाडी अपनी गल तो लगता कि तुसीं SYL दा इशू उत्थे डिवर्ट करना चाहुंदे हो ते बाकी इशू जिन्ने आ उन्हां दे उत्ते फोकस करके तुसीं वाह वाह कट्टनी चाहुंदे। असीं बाकी इशू तो भजदे नहीं, जिवें भुंदर साहब ने कहा कि डेट वक्री रख लो, नाल दी नाल रख लो, जिहड़ा मर्जी इशू डिस्कस कर लो, पर मेन जिहड़ी पंजाब दी जिंद जान पाणी है उहनूं बचाउण वास्ते की करना इह घट्टो घट्ट पार्टियां दी लीडरशिप नाल बैठ के सलाह तां करनी पैंदी। एजेंडा किसी नूं कोई पता नहीं, किवें कंडक्ट होगी कोई पता नहीं। 30 मिंट तुसीं कहिंदे अच्छा जे हुण कोई ड्रग्स ते किसी ने बोलना होवे तो 30 मिनट तो ड्रग्स वास्ते ही घट है, तो पानियां दा जिहड़ा इतिहास है 70 सालों का उहनूं तुसीं किवें जिहड़े हैगे 30 मिनटां दे विच डिस्क्राइब कर लूगा ते बाकी इशू ते की जवाब दूगा? इस करके मैं असीं फिर बेनती करदे हां कि हाले समां है, मुख्यमंत्री साहब नूं गल नूं गंभीरता दे नाल लैणा चाहीदा कि तुसीं पार्टियां नाल मीटिंग कर लो, अज मीटिंग करके तय कर लो उहदे च की एजेंडा होगा, कौन चलाऊगा, किवें चलूगा, किस जां असली अपनी सोच की होनी चाहीदी है, उह चीज़ तय कर लो। इस करके मैं हाले भी आस करदा कि जिहड़ी हैगी है बैटर सेंस विल प्रवेल और पंजाब दे हित दे विच मुख्यमंत्री साहब कोई सही सोच अपनाउणगे और नाल सारिआं नूं लै के इकट्ठे चलण दी लोड़ जिहड़ी हैगी आ उस पासे गंभीरता नाल ध्यान देणगे। मतलब एक गल होर भी बड़ी क्लीयर आ, देखो बड़ा कन्फ्यूजन आ आप पार्टी दे विच भी जिहड़ा इहनां दा मैंबर पार्लीमेंट आ, मतलब वह कह रहा भी पंजाब दे पाणियां ते हरियाणे दा हक आ, ते इहनां दी पार्टी ने उहदी गल नूं दुरुस्त ठहराता, ते फिर 1 तरीक नूं आप पार्टी दी लीडरशिप भगवंत मान समेत असीं पुछना चाहुंदे आ भी वह हरियाणे दा पक्ष पेश करनगे अपने मैंबर पार्लीमेंट दा कि पंजाब दे लोकां दा पक्ष पेश करनगे? यही गल्लां असीं आल पार्टी मीटिंग च डिस्कशन तो पहलां तय करनियां चाहुंदे आ तां कि डिस्कशन दे विच माहौल जिहड़ा सखावां रहे उहदे च कोई असीं चंगा नतीजा कढ सकीए।
हाँ जी की कह बिलकुल सवाल ठीक किया भी जी सरकार की नीत नीति स्टाइल जेड़ा वह दोए मतलब साफ नहीं नजर आ रहे दोनों च शंके खड़े हो रहे हैं क्योंकि जे नीत ठीक होंगी तो वह नीति स्टाइल जा मतलब फंक्शनिंग ठीक कर सकते थी मतलब वो तो इनू उलझा रहे ने बल्कि एस वाई एल के मसले नू पानिया के मसले नू पिछे रख के मतलब एक किस्म का मतलब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वालों कहना भी मैं पोतड़े फूलूंगा मैं कपड़े तारूंगा भी कपड़े तारने पोतड़े फूलने किसी दिन होर रख ला असली मसला तो गंभीर होना तो न मैं जिमें पहला कहा भी बुखार टाइफाइड हो गए तो तुम ऑपरेशन हार्ट का करते फिर वह तो किसी मतलब नहीं बनता रौला तो इस गल का भी पानी का मसला तो पानी के मसले से तो कोई हल कढ़ीए जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी गल कितों चली आ गल चली है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट तो बाद गल दी है सुप्रीम कोर्ट ने सीधिया हदायत करतियां बल्कि यह भी तय करना पड़ेगा भी तुम विरोधी पार्टियां जिम्मेवार ठहराता सुप्रीम कोर्ट के भी थोड़े वकील ने भी असी तो तैयार हाँ नहर कढ़ने विरोधी पार्टियां रोक रही ने यह भी स्पष्ट करना पेगा ना पंजाब सरकार मुख्यमंत्री साहब न भी थोड़े वकील ने जोड़ा उत्थे पक्ष रखिया उत्थे रिपेरियन ला का पक्ष क्यों नहीं रखिया उत्थे हुण तक दीआं पानिया के वंड पानिया के फैसले देश के भी जोड़े होए परंपरागत अनुसार मानतावान अनुसार रिपेरियन ला अनुसार वो पक्ष क्यों नहीं रखिया केवल सियासी विरोधियों ही जिम्मेवार क्यों ठहराया ये मतलब गल्लां स्पष्ट करके ही सखावां माहौल बहस का रखा जा सकता उहदे च सखावें हल लभे जा सकते हैं अदरवाइज तो फिर लड़ाई झगड़े तो बिना होर कोई मतलब नहीं जिस तरीके सियासत परसैप्शन होंगी है तैयार की जाती है कि इस तरीके की अकाली दल लई परसैप्शन तैयार की जा रही है कि पंजाब के लिए या पानिया के लिए अकाली दल जिम्मेवार है इसे परसैप्शन किस तरीके देखते एक सेकेंड मैं थोड़ा सारा जो सारा पॉइंट क्लीयर कर दा एक गल ची इधरों भी आया उधरों भी आया सवाल दो पॉइंट तुसी कहा कि तुसी हुण कहा कि पहला भाई होरां ने कहा है कि की तुसी भज रहे हो पहली गल है कि अज पंजाब की जिम्मेवारी किहदे कोल है मेरे पॉइंट तुसी पहले शायद पूरी तरह समझ नहीं सके जिम्मेवारी हुंदी है स्टेट के मुख्यमंत्री कोल जिहड़ी पार्टी राज करती है स्टेट का जो मसला आउंदा है उहदी जिहड़ी गवाही करती है जिहड़ा उस ते पॉइंट मन्निया जांदा है वह जो सरकार का मुख्यमंत्री उहदा मन्निया जांदा है अज मुख्यमंत्री हैगा आप दा असी यही कहने कि आप की अच्छ जिम्मेवारी है सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट तो बाद के पानी नू बचाउणा किवें उस फैसले का मुकाबला किवें करना है पहला पॉइंट इस करके भजण का सवाल नहीं जो कहिंदे आ उह भज गया जां क्वेश्चन है भजण का कोई सवाल नहीं असी पंजाब की जिम्मेवार पार्टी हाँ असी इस दे पिछे जदों 84 तो फैसला आया 84 तो ब्लू स्टार तक जे कैदा कटियां कुट खाधी पंजाब च लहू लहान होया ये पानिया के मसले ते होया सी जिहड़ा ब्लू स्टार तक गल गई सी ये 84 का मोर्चा इसे जिहड़ा कपूरी तो शुरू किया पटियाले सी पहला तुसी शायद सारे छोटे होंगे कोई उस वेले दा हैगा असी तां सारे मैं MLA सी उदो स्टूडेंट लीडर सी बहुत वड्डे उस वेले पहला पटियाले तो शुरू किया पटियाले तो बाद असी इसनूं अमृतसर लै गए धर्म युद्ध च अमृतसर तो फिर जिहड़ा लड़दे लड़ा हुंदी हुंदी लड़ाई तुसी ब्लू स्टार तक गई ये पाणियां दी लड़ाई इत्थों तक जा चुकी है इस करके असी अज भी जिम्मेवारी कहने आ कि इस ते लड़ना नहीं कोई सानू कुछ कही जावे असी ना उसदे उस ट्रैप च आउणा कि जे तां भज गए जी लड़ पे जी कही जाण जो कहना है लेकिन अज उहदी जिम्मेवारी है उसने नाल लैणा है उल्टा अपील असी करदे आ जिन्हां नूं भज के कहिंदा कि नहीं इकट्ठे हो के जी लड़ाई लड़ो इस करके ना भज्जण दी गल ना किसी बहस तो भजन की गल अज गल है कि पानी के मसले को हल किवें करना उन्हां दी जिम्मेवारी है इस करके सानू कहने आ तीजी गल जो तुसी कह रहे हो कि सानू जिम्मेवार इतिहास हुंदा है उहदी इक बड़ी वड्डी हिस्टरी हुंदी है इस करके असी कहने कि उहनू 1947 तो लैके बहस शुरू कर लो वक्खरे इक दिन उस तुहानू पता लग जाएगा कि इहदा कित्थों आया तां चलिया तां 55 तो पानी का मसला था एक रमन एक एक मिनट मैं ना इन्हों का जवाब दे दिया ये गल जी कहने ना भी ये गल बिल्कुल सही आ भी हूँ तक दा सारा जोर इस गलते लग्या वा भी अकालिया बदनाम किया जाए
पर सही गल ये आ भी जिन्हां ने पानी लुटिया, जिन्हां ने पानी दे डाका मारिया, जिन्हां ने पर गैर कानूनी तरीके नाल पानी खोया, उन्हां बारे मेरा ख्याल है पिछले जदों दी सुप्रीम कोर्ट दा फैसला आया एक लफ्ज भी नहीं बोले। तो इसे करके असीं कहिंदे आ भी नीयत साफ नहीं नज़र आ रही। अजे स्पष्ट करना पऊगा भी शिकार नाल ने कि शिकारी नाल ने, जिन्हां ने पानी दे डाका मारिया, जिन्हां ने पानी खो रहे ने, उन्हां नाल किवें लड़ाई लड़नी आ, कौन जिम्मेवार आ, उन्हूं जिम्मेवार ठहराउण दी थां अपने मतलब अपने तो एक दूजे के दोष लाई जा रहे हैं। इस करके असं स्पष्ट करना चाहते थे भी बहस तो पहला ये गल तय हो ही मैच का माहौल मतलब सुखाव बनूगा। देखो गल यही है भी यही गैर संजीदगी यही एक किस्म का मैं तो बेईमाना कहूँगा, मैं तो कहूँगा भी धोखा पंजाब के लोगों ना और एक किस्म का अडंबर रचा जा रहा। जे संजीदगी होंगी गंभीरता होंगी तो एक भी साढ़े वालों दिती राय जी उन्हूं एक पॉइंट व्यू दे मतलब गलत कोई दस दे तो असी गुनाहगार अपने आप नूं बोलांगे। असी सिर्फ यही कहने भी बहस से असी आने पर कुछ गल्लां जानी आपसी तय करनियां पैणगियां, एक छोटी मीटिंग करके कमरे च बैठ के मतलब नॉर्म तय करने पैणगे भी स्टेज किवें चलाउणी आ, उहदा जिहड़ा रिजल्ट आ निचोड़ आ उह किहने कढ़णा, मतलब उहदे च तां घट्टो घट्ट सारिआं दी सांझी वालता होणी चाहीदी आ, सारिआं दी भाईवाली होणी चाहीदी आ। यह तो है नहीं भी आपे बुला के आपे तुसीं रिजल्ट कढ़ के परे मारो। असीं कोई बधुआ मजदूर हाँ, असीं भट्ठे दे मजदूर हाँ, भी सानूं जो मर्जी आण के लै जाओ तो जो मर्जी अगे अगला हुक्म सुना दो। आफ्टर आल सारिया पार्टियां की इज्जत करनी चाहिए आ, सारिया पार्टियां का इस सारे उहदे च योगदान। देखो उसके बजे तो बाद फिर असं यही फैसला करांगे ना भी अगे सारिया पार्टियां नाल रल के बाकियां नाल भी जे मतलब सारी सिचुएशन नूं किवें चलाउणा मतलब उहदे च उह असीं बाद च राय करांगे। आखिरी काका आखिरी आखिरी जवाब लै लो, जे उह ना करेगा एक जे उह ना करेगा जो असीं कहा साडा सुझाव नूं मन्नेगा, असीं जिम्मेवार बंदे आ, असीं पंजाब पंजाबियों नूं ते आर पार्टी नूं इकट्ठे करके असीं पैरेलल करके असीं पंजाब नूं बचाउण वास्ते लड़ांगे, असीं इहदे नाल नहीं लड़ांगे ना इहदी बहस चुल जांगे। असीं अज भी जिम्मेवार दे तौर ते कहिंदे असीं सारियां पार्टियां नूं अपील करदे आ कि जे तां विधी विधान दे मुताबक एजेंडे मुताबक गल करदे आ वेलकम, इहनां दी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी लोकां दे ते नहीं करदे, आपां वी जिम्मेवार आ, विरोधी पार्टियां आओ आपां इकट्ठे होके ज्वाइंट मीटिंग करिए और मीटिंग करके किसी नूं लड़न दी बजाय आपां इकट्ठे होके इस कानून नूं कानूनी तरीका ते लोकराज तरीके नाल आपां पूरा जोर जात इकट्ठे होके इहदा हल कढ़ीए। असीं इक होर भी कहना चाहुंदे आ भी मुख्यमंत्री साहब अपनी जिम्मेवारी तों जेकर भजदे आ असीं आपां बिल्कुल बिल्कुल इहो हल्ला अकाली दल नहीं करेगा, असीं सारियां पार्टियां नाल राबता कायम करके जिहड़े पंजाब ते पंजाबी नूं प्यार करदे ने लोक पार्टीबाजी तों उपर उठ के असीं उन्हां नूं भी अपील करांगे, बुद्धिजीवियां नूं जिहड़े नॉन पोलीटिकल लोग ने जिहड़े पंजाब दा भला चाहुंदे ने भी उह सामणे आउण, पंजाब नूं जंग दा अखाड़ा ना बण देण। और इहदे च इक असीं इह भी अपील करांगे भी केवल कल्ले अकाली दल कांग्रेस बीजेपी क्यों आप ही क्यों, बहुत वड्डा हिस्सा पंजाब दा जिहड़े चोण प्रक्रिया 'च विश्वास रखदे ने, जिवें CPI रखदी आ, CPIM रखदी आ, पासला साहब की जथेबंदी रखती है, BSP रखती है, BSP केड्डा वड्डा वर्ग आ, केड्डी वड्डी नैशनल लैवल की पार्टी आ, उन्हूं इग्नोर करता, मतलब ये जिहड़ियां चार पार्टियां तो नहीं पंजाब हैं, तो जिहड़ियां चोण प्रक्रिया 'च विश्वास रखदियां पार्टियां उन्हां दा भावें विधानसभा 'च कोई मैंबर है जां नहीं है, मान साहब भी हैं तो भी सारे मतलब जिहड़े चोण प्रक्रिया 'च विश्वास रखते हैं उन्हां दी भी राय नाल सांझी राय दे विच भाईवाली करनी चाहिए आ। यही गल्लां असीं पहला आल पार्टी मीटिंग सद के इहनां 'च करना चाहुंदे आ ताकि समुचा पंजाब लगे ना कि कुछ पार्टियां लगन जां कुछ बंदे लगन। ये तो हुण इकल्ला केवल तो केवल एक पार्टी ही अपने आप नूं पंजाब दी मतलब सारा कुछ समझ रही आ जिहड़ी सरासर गलत आ। देखो ये भी बड़ी वड्डी गल आ, यही तो गल आ भी अज तक जिहड़ा पानी रोक के रखिया ठीक है, पानी दे संबंधी फैसले गलत होए पर अज तक जे पानी रोक के रखिया जां इंप्लीमेंटेशन नहीं होण दित्ती
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜੜ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੜਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਪੜਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੰਨੂ ਬਾਜਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ 76 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀ ਦਾ 72 'ਚ ਮੈਂ MLA ਸੀ, 75 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਂ MLA ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੋਇੰਗਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਤਕੜੇ ਮਾੜੇ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, 84 ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ, 84 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਟੱਕ, ਫਿਰ ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ, ਟੱਕ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਉੱਦਣ ਟੱਕ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਈ ਸੀ ਨਹਿਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਟੱਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਸਤੇ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਸਤ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਹ ਕੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸੋਹਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ 42 MLA ਸਾਂ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ 80 'ਚ, ਅਤੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਨਾ ਲਈ, ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਖੂਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਢ ਲਿਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੋਹ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ, ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਤਕੜਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ MLA ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਨਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਲੇਂਜ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ,
डिस्कशन लफ्ज वरत्या जा सकता सी बह के इकट्ठे होकर कोई भी मीटिंग तय करनी है तुसी समझदार हो तुसी प्रेस वाले भी अपनी गल करते हो वो एजेंडा होंगे आप इस मसले पर बहस करनी है एजेंडा कोई नहीं खुली गल है सारी गल ये तो फिर प 16 घंटे की बहस होनी सारे पंजाब से तो 47 तो अच्छे तो 47 तो क्यों फिर शहर तो क्यों करो पंजाब तो 47 लुटिया गया दो हिस्से हो गए पहले दिन सो ये लंबिया लड़ाइया असं गल लंबी नहीं करनी चाहते शॉर्ट्स करके थोनू कह रहे कि नहीं जो तुसी कहा मैं दोबारा कहना चाहना इन्होंने कह दिता कि असी इकट्ठे होके यदी बजाय कि कौन तकड़ा कौन माड़ा एक पंजाबी बन के आल पार्टी एक राय करके सारे पंजाबियों नाल लेके क्योंकि पंजाब उजड़ेगा साड़ी धरती तो अच्छे को साढ़े को है पानी है पानी उजड़ गया साडा किसी ने 1000 नूं किला नहीं लैनी जमीन जिवें राजस्थान वाधू पई हैगी जग जा समेर जाओ इस करके अज पानी का मुल है ना कि जमीन का मुल है जमीन साथों चंगी है जयपुर जोधपुर के असी किसान हाँ तुम तो शायद कहीं गए नहीं हो साथों 100 गुणा बैटर है लेकिन पानी नहीं इस करके अच्छ पानी साड़ी जिंद जान है यू बचाने वास्ते असी फिर अपील करते हैं कि आओ अजे भी सोनू टाइम दें कि बैठ जाओ शाम तक बैठ जाओ 1 बजे तक जो थोड़ा है बैठ जाओ बैठ के तय करो आप बह के एक सियाणा की तरह रह करिए तुसी सोनू जिम्मेवारी दिती है आप रल के चल के इकट्ठा मुकाबला करिए ये साडा पॉइंट है देखो असी आसवंद मुख्यमंत्री साहब नू पंजाब दे भले वास्ते सोचना चाहिए अपनी ईगो उन्हां दी अगे नहीं आनी चाहिए इस करके 1 बजे का टाइम दिता है उधरों रिस्पोंस आने दो हो सकता जिन्ने काले कल से हुणे ही आ जाए थोड़े बैठे बैठे असी फिर बैठ के विचारांगे क्योंकि साडा मुद्दा काम खराब करन दा नहीं है सानू दर्द है इस गल का कि ए जिस पासे गल वध रही है पंजाब का नुकसान होना असी उस हलीमी नाल ही चलना चाहते हैं उस सबर संतोख नाल ही गल करनी चाहते हैं सानू कोई बहुता नहीं कि असी अज ही भगवंत मान नू इस गल दे उत्ते ठिब्बी ला के कोआ करना को करना असी तो नाल खड़ के जे वह ठीक तरीके नाल स्टैंड लैना चाहते हैं पंजाब दे हक तो जिवें पहला जी संकट की घड़ी से पंजाब दी पार्टियां इकट्ठिया होंगे रही हैं असी तो चाहते हैं भी अज भी वो भावना जगनी चाहिए है उस वास्ते असी पहल करते पे हैं तुसी आ कन्फ्रंटेशन वाले पासे जां एक दूजे नूं नीवां दिखाउण वाले पासे हरियाणे का केस मजबूत ना करो मैसेज यही जा रहा कि तुसी केजरीवाल का पक्ष मजबूत कर रहे हो क्योंकि लड़ाई तुसी रूलिंग पार्टी पा रही है रालिंग पार्टी आप खुद जे तुसी खेत नूं अग ला रहे हो जे मालक खुद खेत नूं अग ला रहा तो उहदा नुकसान उहदा फायदा दूजे पासे दे रहा इस करके असी तो आसमंद हाँ कि उम्मीद करते हैं कि बैटर सेंस विल प्रिवेल कि वह सोचणगे भी असी ढंग तरीके की गल करते पे बहस तो नहीं भजदा होर कोई